परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संजय सिंह पर कल ईडी की कार्रवाई हुई, विपक्ष में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है सर। नहीं देखिए, ये कार्रवाई कोई नई कार्रवाई नहीं हुई है, पहले भी उसमें लोग जेल जा चुके हैं, उसकी जांचें चल रही थी, उस जांच में इनके ऊपर भी एविडेंस मिला होगा, उसके आधार पर इन पर भी कार्रवाई हुई है। जनता पार्टी अनुसूचित जातियों का जो एक महासम्मेलन कराने जा रही, कितना सर इसका आपको लगता है कि फ़ायदा मिलने वाला है सर? देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो समाज में जो सबसे अंतिम पावधान पर अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा लाभ माननीय मोदी जी की सरकार में, चाहे वो आवास मिलना हो, शौचालय मिलना हो, आपके गैस कनेक्शन मिलना हो, राशन मिलना हो, उनको ज़्यादा मिला है, और उनको सुरक्षित रखने के लिए आयुष्मान कार्ड उनका ज़्यादा बन रहा है, तो उसका लाभ। प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, 5,000 लोगों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। अरे पहले प्रशिक्षण से पहले तो जो गुंडागर्दी वो करते हैं उनको पहले उनके कार्यकर्ता उससे उनको रोके। सर, हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।